आज की वीडियो हम बात करेंगे ओप्पो के एक न्यू मोबाइल के बारे में। इस मोबाइल का नाम है ओप्पो A77S जी। तो ओप्पो A77S के बारे में कंप्लीट लॉन्च डेट, प्राइस, स्पेसिफिकेशन, पाकिस्तान, इंडिया बताऊंगा मैं, और यहाँ पर चंद चीज़ें लीक होकर आई वही मैं आपको बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर। तो हो सकता है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाए, बट आपने वीडियो कंप्लीट वॉच करनी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ इसके लॉन्चिंग की। देखिए यहाँ पर ना आपको मैं कुछ सीन बता देता हूँ, यहाँ पर क्या सीन चल रहा है। आप जानते हैं जून में लॉन्च किया यहाँ पर ओप्पो ने A77 5G, फिर उसके एक महीने बाद लॉन्च कर दिया A77 4G। ठीक है, तो अभी यहाँ पर इनको इस फैमिली को एक और ज्वाइन करने एक मेंबर आ रहा है न्यू। इस मोबाइल का नाम है A77S। तो अब ये मोबाइल 4G होगा 5G होगा वो देखना पड़ेगा कि 4G या 5G, बट मैं आपको इतना ज़रूर बता सकता हूँ मेरे ख्याल से ये 5G मोबाइल ही होगा। और इसकी कॉस्ट अब आ रही है लगभग कोई $400 के करीब। और यहाँ पर इसके बारे में कुछ मज़ीद बात करते चलें। रिलीज़ कब हो रहा है ये देखें, मैं आपको तीन चार इसमें बता देता हूँ कहाँ पर रिलीज़ किया जा रहा है। ये यूरोपियन मार्केट में, एशियाई मार्केट मीन्स के चाइना और इंडिया में, और यहाँ पर पाकिस्तान का कुछ कन्फर्म नहीं कि पाकिस्तान में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, बट लेट्स सी के पाकिस्तान में लॉन्च होता है कि नहीं होता। देखिए यहाँ पर मैं आपको बता दिया है एशियाई मार्केट में और यूरोपियन मार्केट में, जिसमें यहाँ पर यूरोप में जितने ममालिक आते हैं और यहाँ पर एशिया में इंडिया और चाइना, तो इसमें लॉन्च किया जा रहा है 28 सब में। तो यहाँ पर लॉन्च किया जाएगा सितंबर में। देखें डेट कुछ कन्फर्म नहीं कि कब लॉन्च किया जा रहा है, बट अभी फ़िलहाल यही इसके निकल कर आया है कि ये लॉन्च किया जा रहा है सितंबर में। ठीक है, और यहाँ पर फिलहाल इसका लुक्स भी कुछ कंफर्म नहीं किस किस्म का लुक्स आ रहा है। मेरे ख्याल से यहाँ पर थोड़ा सा इम्प्रूव होगा जैसे कि A77 5G था। ठीक है, और अभी बात कर लेते हैं यहाँ पर कुछ मज़ीद इसके बारे में। तो पाकिस्तान में लॉन्च होगा कि नहीं होगा, देखें पाकिस्तान में कुछ कन्फर्म नहीं कि लॉन्च होगा कि नहीं होगा, बट मेरे ख्याल से होना चाहिए लॉन्च इसको। और अभी बात कर लेते हैं प्राइसिंग की, पाकिस्तान में क्या प्राइसिंग आएगी। देखें $400 को मैं डायरेक्ट पाकिस्तानी करेंसी में कन्वर्ट किया, 88,000 रुपीज़ प्राइस आई, हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं इससे ज़्यादा प्राइस। और इंडिया में कोई 32,000 के करीब इसकी प्राइस आएगी। ठीक है, अभी बात कर लेते हैं चंद स्पेसिफिकेशन की, क्या स्पेसिफिकेशन आएंगे। देखें अभी मोबाइल का तो लुक्स भी कन्फर्म नहीं हुआ किस किस्म का मोबाइल का लुक आएगा, बट यहाँ पर इसकी सिर्फ एक ही चीज़ लीक होकर आई है, 33 वोट की फास्ट चार्जिंग मिल जाएगी इस मोबाइल के अंदर हमें। और बैटरी भी यहाँ पर बैटरी साइज भी कुछ कंफर्म नहीं हुआ किस किस्म का बैटरी साइज होगा, किसी किस्म का हमें प्रोसेसर कौन सा आएगा इसके अंदर, क्या मीडियाटेक का आएगा, क्या यहाँ पर स्नैपड्रैगन का आएगा, किसका प्रोसेसर आएगा कुछ कंफर्म नहीं है। क्या इसमें ओलेड डिस्प्ले होगा, यहाँ पर हमें एमोलेड मिलेगा या तो LCD डिस्प्ले मिलेगा, ये भी कुछ कन्फर्म नहीं है इसके अंदर। ठीक है, तो जो मैं यहाँ पर जो मुझे पता चला मैंने आपको बता दिया। मज़ीद अपडेट रहने के लिए चैनल से लाजमी सब्सक्राइब कर लें। और यहाँ पर एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, जो लोग अभी एक या अभी यहाँ पर आपको वीडियो बनाकर दे रहे हैं यहाँ पर स्पेसिफिकेशन वगैरह इस मोबाइल की, वो बिल्कुल फेक है, उनके उनको कुछ कुछ भी नहीं पता कि उनको स्पेसिफिकेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर इंटरनेट पर बहुत सारी फेक स्पेसिफिकेशन चल रही होती हैं, डोंट बिलीव, किसी पर बिल्कुल यकीन ना करें। ठीक है ना, तो मज़ीद ऑनेस्ट वीडियोज़ के लिए चैनल आज में सब्सक्राइब कर लें, एंड स्क्रीन पर मेरा चैनल आ चुका है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।